दुनिया में हर व्यक्ति की कुछ न कुछ इच्छाएं कामनाएं रहती है। किसी को धन की अपेक्षा है, किसी को बल की, किसी को ऐश्वर्य तो किसी को ज्ञान की अपेक्षा है। अगर आपको भी इन सब चीजों की कामनाएं हैं तो इस गुप्त नवरात्रि में आपकी यह सभी अपेक्षाएं पूरी हो सकती है। इस गुप्त नवरात्रि को तंत्र मंत्र साधना के लिए बेहद खास माना गया है। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए साधक गुप्त रूप से तांत्रिक क्रियाएं करते हैं, साथ ही नवरात्रि कामोत्पत्ति की पूर्ति के लिए भी विशेष मानी गई है। इसीलिए इस नवरात्रि में देवी की आराधना करने से धन बल ऐश्वर्य विद्या संतान सहित सभी तरह की कामनाओं को पूरा किया जा सकता है। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के रहने वाले ज्योतिषाचार्य एवं कथावाचक पंडित पंकज मेहता हमें इन देवियों के बारे में बता रहे हैं जिनकी उपासना करने से आपकी मन की कामनाएं पूरी हो सकेंगी। इसमें यह है कि जैसे मैंने बताया कि तंत्र प्रयोग की ज्यादा नवरात्रि, इसमें मैं बुद्धि की जिसको अभिलाषा है कि विद्या श्रेष्ठ विद्या का, तो वे सरस्वती जी का वो करें, जैसे महाकाली महालक्ष्मी महा सरस्वती तीनों की उपासना इसमें होती है। जिसको बल की अपेक्षा है तो वह तो उनके बीज मंत्र हैं, परंतु मंत्रों का ऐसा है कि हमारे यहाँ शास्त्रों में ऐसा कहा है कि मंत्र किसी गुरु से ही ग्रहण करना चाहिए। लिखे हुए मंत्रों को आप या किताब में लिखे हुए मंत्रों को पढ़ने सिद्धि नहीं मिलती, आप किसी गुरु से या कोई विद्वान से किसी जानकार व्यक्ति से आप वो मंत्र लेंगे। पर इष्टों की देवी अलग अलग है कि यदि आपको संतान की प्राप्ति है तो आप षष्ठी देवी के रूप में स्कंद माता के रूप में उनकी उपासना करें, आपको बल चाहिए तो आप दुर्गा के रूप में उनकी उपासना करें, आपको शत्रु परेशान कर रहे हैं तो आप बगलामुखी अथवा महाकाली के रूप में उनकी नौ दिन उपासना करें, हमको धन की अभिलाषा है महालक्ष्मी के रूप में उनकी उपासना करें, ऐश्वर्य की उपाय तो हम श्री विद्या के रूप में ललिता त्रिपुर सुंदर पंचमी के दिन उनकी विशेष उपासना। इस प्रकार से हम अलग अलग उपासनाएं करते हैं। लोकल लैटिन के लिए खरगोन से दीपक पांडे की रिपोर्ट।